अगर मैं ये कहूंगा कि आज के स्मैकडाउन में हमें ट्रैवल चीफ नहीं दिखा था तो भाई आप सभी बंदे हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सबको पता है रोमन रेंस आए थे। दोस्तों रोमन रेंस आए थे बात सही है, लेकिन ट्रैवल चीफ का लुक वो कहीं से नहीं लग रहा था। मतलब जिस हिसाब से आते उन्होंने सोलो सिकुआ टामाटोंगा और टांगा लोया भाई इन तीनों को नॉकआउट करा था, तो भाई ये एक बिग डॉग वाली फीलिंग आ रही थी आज के स्मैकडाउन में। मतलब भाई काफ़ी टाइम बाद रोमन रेंस ने एक साथ तीनों को नॉकआउट करा, जो भाई हमें काफ़ी टाइम से रोमन रेंस के अंदर देखना चाहते थे बट भाई देखने को नहीं मिल रहा था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि रोमन रेंस ओरिजिनल ट्रैवल चीफ नहीं है, भाई वो तो ओरिजिनल ट्रैवल चीफ है, लेकिन भाई आज का रोमन रेंस भाई हमारे को बिग डॉग की तरह लग रहा था। रोमन रेंस के जाने के बाद जब भाई WWE स्मैकडाउन का एरा ऑफ हो गया था, रोमन रेंस ने दोस्तों फाइनली ब्लड लाइन का साइन करा था। भाई काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि ये साइन में रोमन रेंस के हाई एंड से भाई काफ़ी टाइम से देखना चाहता था। फाइनली दोस्तों काफ़ी अच्छा हमारा आज का स्मैकडाउन गया, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगले स्मैकडाउन में भी हमें रोमन रेंस देखने को मिलेंगे। काफ़ी बड़ा सरप्राइज था दोस्तों, और बिग डॉग वाला लुक मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सोलो सिकुआ ने दोस्तों अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट पे भाई रोमन रेंस और अपनी ये वाली फ़ोटो डाले और ये बताया कि रोमन लाए है। मतलब सोलो सिकुआ ने कहीं ना कहीं इसलिए बोला है क्योंकि रोमन रेंस ने बोला था उनके जाने के बाद ट्रैवल चीफ जो होंगे नेक्स्ट वो सोलो सिकुआ होंगे, बट भाई रोमन रेंस खुद ही उसे ख़त्म कर रहे हैं। खैर रोमन रेंस ने बोला था ट्रैवल चीफ होंगे बट सोलो तो पूरा नाम ही ले रहा है, इसलिए भाई रोमन रेंस स्टोरी लाइन के हिसाब से ऐसा कर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कल की कि भाई हम जो कूड़ी रोड से वो चाहते हैं कि उनका अगला प्रीमियम शो इटालिया में हो, लेकिन WWE वालों ने फाइनली इसे एक्सपायर कर दिया। मतलब यार काफ़ी ज़्यादा मेरे को अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा खुशी से बताया था कि अब हमें इटालिया में WWE का शो देखने को मिलेगा, और मेरे को लग रहा था कि यार कूड़ी रोड्स की भी चाहत थी तो ऐसा लग रहा था कि यार ये हमें देखने को मिलेगा, बट भाई अभी ये कुछ टाइम के लिए एक्सपायर्ड हो चुका है और हमें देखने को नहीं मिलेगा। खैर हो सकता है दोस्तों आगे देखने को मिले, बट भाई अभी प्रेजेंट की बात करूँ तो ऐसा भाई यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। WWE स्पीड वुमेंस चैंपियन, मतलब WWE स्पीड में वुमेंस को भी अब इंक्लूड करा जाएगा और उनकी चैंपियनशिप भी बनाई जाएगी। अगर दोस्तों WWE वुमेंस की ऐसी चैंपियन होती है तो भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा, क्योंकि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। अगर इस चैंपियन को बनाना है तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाओ वुमेंस की जो WWE में रखो, स्पीड चैंपियन में दोस्तों ये अच्छी नहीं लगेगी। खैर स्पीड वुमेंस चैंपियन आने वाली है और दोस्तों स्पीड वुमेंस भाई मतलब इंक्लूड होंगे अब WWE स्पीड में। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करूँ दोस्तों, ये बात किसी को नहीं पता था कि WWE के समर स्लैम के बैक स्टेज में रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन भी थे। दोस्तों ये बात अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है कि रोमन रेंस और पॉल हेमन एक साथ थे समर स्लैम में, तो भाई मेरे को तो पता नहीं था, और मैं जब मैंने ये चीज़ देखी सोशल मीडिया पे तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि भाई मतलब रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ थे बट हमें वहाँ पॉल हेमन देखने को नहीं मिले थे। दोस्तों ऐसा होगा कि पॉल हेमन का अभी स्टोरी अच्छा नहीं लग रहा होगा WWE में, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें सोलो सिकुआ भी देखने को मिलेंगे। केविन ओवेंस और सैमी जेन का बश इन बर्लिन में भाई मैच होने वाला है, जबकि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि केविन ओवेंस और कूडी रोड्स का मैच हो सकता है। WWE कह रहे हैं कि ऐसा मैच भी हमें देखना चाहिए, और फाइनली दोस्तों मैंने कल ये बात बताई थी और आज फाइनल हो गई, और वो भी मेन इवेंट बश इन बर्लिन में, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा भाई ये वाला मैच देखने को। इससे साबित होता है कि रोमन रेंस और सोलो सिकुआ की स्टोरी अभी ख़त्म हो रखी है कूडी रोड्स के साथ। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों बारे में बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ है दोस्तों सेथ रॉलिंस की तरफ से। अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों रेसलमेनिया के बाद से भाई ये हुए थे और हमें देखने को नहीं मिले थे। दोस्तों फाइनली अगर मैं दोबारा बात करूं तो अब भाई हमारे को सेथ रॉलिंस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो ब्राउन रेड ने भाई सेथ रॉलिंस के साथ जो करा था भाई उसके बाद ये पूरी तरीके से इंजर हो गए हैं। हो सकता है बश इन बर्लिन तक इनका रिटर्न हो जाए और इनका जो मैच है भाई वो ब्राउन रेड के साथ हो। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों बारे में बात करते हैं, दोस्तों बॉबी लैशली को विंस मैकमैन ने ये बताया कि उनका और ट्रिपल एच का जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं मतलब ख़त्म हो चुका है। तो ऐसा भाई विंस मैकमैन ने क्यों कहा मेरे को समझ नहीं आया। खैर बॉबी लैशली का मैंने बताया था कि इनका रिटर्न WWE में होने वाला है, तो इस बात से ऐसा लग रहा है कि अब इस रिटर्न में हमें डिले देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों आगे क्या होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। नेक्स्ट पोस्ट किसके बारे में बात करूँ, काफ़ी शॉक अपडेट है भाई ये वाला। ब्लड लाइन ने दोस्तों WWE टैग टीम चैंपियन जीती थी जैगो फैतू और टामा टोंगा ने, लेकिन अभी तक इनके बैच पे भाई ब्लड लाइन का बैच नहीं लगा बल्कि DIY का। तो हो सकता है दोस्तों बहुत जल्दी ये चैंपियनशिप चली जाए और मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। नेक्स्ट और फाइनल वो उसकी दोस्तों बात करूँ, दोस्तों लिम मॉर्गन का कहना है कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो भाई उनसे सब जेलिस हो रहे हैं इस टाइम पे। मतलब क्यों हो रहे भाई ये तो सभी बंदे जानते हैं, और कुछ टाइम पहले डोमिनिक ने भी बताया था कि उनसे भाई सब जलते हैं क्योंकि उनसे हर जो गर्ल है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव होती है। तो भाई मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं आजकल लग ही रहा है। खैर देखते भाई इस स्टोरी में भी आगे क्या होगा। खैर WWE से रिलेटेड एक से वीडियो लाता रहा, तो टॉप रिसेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।